इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको फेसबुक में या आपको गूगल में टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन या टू स्टेप वेरिफिकेशन में सिक्योरिटी की मिलती है। तो ये बेसिकली होती क्या है ये मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। देखिए, आपकी जो सिक्योरिटी की होती है वो आपको ऑथराइज्ड बनाती है, ठीक है, आपके अकाउंट के लिए, आपको एक्सेस दिलाती है आपके अकाउंट के लिए। कब? जब आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाते हैं अपने फ़ोन में। इसका फ़ायदा क्या है गाइस सिक्योरिटी की का? देखिए, सिक्योरिटी की का बहुत फ़ायदा है। अगर आपके किसी को गलती से आपका पासवर्ड पता चल जाता है, यूज़र नेम और सब कुछ पता चल जाता है, तो जब वो अकाउंट को लॉगिन करता है तो सिक्योरिटी की उसमें बहुत यूज़फुल होती है, क्योंकि सिक्योरिटी की फिज़िकल होती है। और आपका अगर कोई हैकर आपके अकाउंट को हैक करता है तो वो सॉफ्टवेयर बेसिस रहता है, यानी कि वो फिज़िकल या फिर अनफिज़िकल हो जाता है। अब जैसे फिज़िकल की आपके पास है, ठीक है, तो की लगाएंगे आप अपने फ़ोन में जब तब आप अपने अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। पासवर्ड उसको पता चल गया, पासवर्ड आपको भी पता है, लेकिन की आपके पास है तो आप अपने अकाउंट को खोल सकते हैं। अगर आपके दूसरे वाले उसके पास की नहीं है तो उसके से की मांगेगा कि की लगाइए। अब ये काम करता है NFC से, USB से और ब्लूटूथ से, यानी कि ये जो तीनों फीचर होते हैं ये आपके पास होने चाहिए फिजिकल थ्रू में जब काम कर सकते हैं। ब्लूटूथ थोड़ी सी रेंज रहती है तब काम करता है। NFC को बिल्कुल आपको अपने फ़ोन के पीछे लगाना पड़ेगा तब आपकी फिजिकल की वर्क करेगी, एंड USB को आपको अपने पोर्ट में लगाना पड़ेगा तब यहाँ पर ये काम करेगी। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि सिक्योरिटी की बेसिकली क्या रहती है। और अगर समझ में आ गया है तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।